हेलो बच्चों, वेलकम टू आर खुशी ई एजुकेशन। बच्चों, हमारा आज का विषय है हिंदी और आज हम हिंदी विषय में सुनने वाले हैं एक कहानी। आप सभी को कहानी तो अच्छी लगती ही है। हाँ, आज की ये जो हमारी कहानी है वो है एक चिड़िया की और एक घोंसले की। हाँ, तो चलिए, आप सभी तैयार हैं मेरे साथ कहानी को सुनने के लिए? हमारी कहानी का नाम है संगठन। एक चिड़िया ने पेड़ पे अपना एक छोटा सा घोंसला बनाया है और इस घोंसले में चिड़िया और उसके बच्चे बड़े आराम से रह रहे। लेकिन पता नहीं एक दिन क्यों इस घोंसले को अपने आप पे बहुत घमंड आता है। उसे ऐसे लगता है कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है, गर्मी सर्दी और बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके तीन बच्चे इस पेड़ पे आराम से रह रहे हैं। शाम को जब चिड़िया लौट के घोंसले में आती है तो ये जो घोंसला है ये बहुत अकड़ के बोलता है, तू और तेरे बच्चे मेरे दम पर यहाँ इस पेड़ पे बड़े मजे से रह रहे हो। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूं, तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरे खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। चिड़िया जो घोंसला कह रहा है ये बड़ी शांति से सारी बातें उसकी सुन रही है। जब घोंसले की बात पूरी हो जाती है तब ये चिड़िया बोलती है, उसको समझाने लगती है, घोंसले को समझाने लगती है, देखो घोंसले भाई, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन मैं भी एक बात तुमको बता ही दूँ, शायद तुम इस बात को भूल गए हो, शायद तुम भूल रहे हो, ये जो तिनके तिनके जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, मैंने इन तिनकों को एक एक चुन कर तुम्हारा ये अस्तित्व इस पेड़ पे तैयार किया है। मैंने वो सारे तिनके जोड़ के एक अच्छा घोंसला बनाया है। अगर मैं ये तिनके तिनके जमा नहीं करती तो तुम अभी भी कहीं पे बिखरे ही पड़े रहते तिनके के रूप में। इस तरह तुम पेड़ पे एक घोंसले के रूप में कभी नहीं आते। तो भाई, मेरी इस बात को तुम समझ लो, किसी भी बात का तुम घमंड मत करो। शक्ति बिखेरने में नहीं तो इकट्ठा होने में है। घोंसले का सर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई भी विरोध नहीं किया और अब घोंसला, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे सभी इकट्ठा होके एक साथ इस पेड़ पर बड़े मज़े से रह रहे हैं। हाँ, वो सब एक संगठन बना के रह रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया संगठन का मतलब? संगठन मतलब इकट्ठा होके रहना, मिलजुल के रहना। ठीक है, आपको अच्छी लगी ये कहानी? तो चलो, अब वक्त है एक छोटे से होमवर्क का। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, पेड़ पे कौन कौन रह रहे थे? हमारा दूसरा प्रश्न है, घोंसले को किसने बनाया है? ठीक है, आपको क्या करना है, इन सवालों के जवाब देने हैं और जवाब देते वक्त अपना एक वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो बच्चों, हम अगले हफ्ते फिर एक नई संकल्पना के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।